सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति के राजनीति में सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सत्ता क्या है। सत्ता जो है, जो शासन होता है उसको सत्ता बोलते हैं, जो शासन करता है वो सत्ता। और साझेदारी, साझेदारी मतलब जो कि हम आपस में सहयोग से जो काम करते हैं वह साझेदारी कहलाती है। मतलब किसी भी चीज़ को करना या सत्ता को चलाना है तो हम साझेदारी के तौर पर उसको हम चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका, क्या दिया है? बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा सा है। इसमें इसकी सीमाएं जो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हुई है। यहाँ की आबादी कम से कम 1 करोड़ है से थोड़ी अधिक होगी। यहाँ की कुल आबादी जो है 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और 40% लोग जो है वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए से हम देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा और डच बोलने वाले समूहों के बीच जो तनाव बढ़ने लगा था, जो समुदाय टकराव का तीखा स्वरूप जो है ब्रुसेल्स में मैं दिखा था। ये विशेष तरह की एक समस्या होती है क्योंकि लोग जो है आपस में ही बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पर धन की समृद्धि के मार्ग में कमजोर और अल्पमत में भी थे। इसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे श्रीलंका के एक द्वीप देश है जिसमें तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो कि ये दक्षिण एशिया के अन्य देशों में श्रीलंका की आबादी में भी कई तरह की जाति समूह के लोग रहते हैं। वहाँ पर भी कई जाति समूह रहते हैं, उसमें भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हैं, जिसमें कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रूप से समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, जहाँ पर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के लिए डच भाषी लोग हैं। और यहाँ पर 50 और 60 के दशक में फ्रेंच और सामाजिक समूह सिंगली का है, जिनकी कुल जनसंख्या जो 74% है। इस तरह से हम देखेंगे कि 18% हैं जो तमिलनाडु, दो समूह में, एक श्रीलंकाई है और दूसरा जो है मूलवासी यहाँ के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल है। इस तरह से हम देखेंगे कि मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों का ही में आबाद है, जो कि तमिल भाषी लोग यहाँ कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका के बाद जो ईसाई लोगों का हिस्सा जो है 7% है, जिसमें सिंधी और तमिल लोगों दोनों भाषाएं वहाँ के लोग बोलते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि वहाँ पर बड़ी संख्या फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी लोग भी इच्छाएं थोप सकते हैं, लेकिन वे अपना अपना दावा ठोकते। वहाँ पर क्या ब्रुसेल दोनों पक्ष सिंधी आबादी है, यहाँ पर हम अक्सर देखने को मिलते हैं। फिर श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसके समुदाय ने से बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, लेकिन राजनीतिक अधिकारों से वंचित रही, जिसमें नौकरियों और फायदे के अन्य कामों के साथ उनके भेदभाव होता रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वहाँ इस वजह से वहाँ लोकतांत्रिक राजनीति जो सिंगली समुदाय की प्रभुसत्ता और बहुसंख्यक परस्तों के तहत कई कदम उठाए गए थे, जिसमें कि तमिल को दरकिनार करके सिंगली को ही एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था और वहाँ के विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंगलियों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। इस तरह से सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तमिलों जो श्रीलंकाई तमिल थे, इनकी नाराजगी के जो वेगानापन और धनराम सिंह और नेतृत्व राजनीतिक पार्टी भाषा संस्कृति असंवेदनशील थी, जिससे कि नीतियाँ समान नहीं होने के कारण यहाँ के तमिल और सिंगली समुदायों के बीच जो है संबंध बिगड़ते चले गए। मतलब यहाँ पर ये हुआ दोनों में जो है संबंध बिगड़ने के कारण यहाँ पर कई बार हिंसा भी हुई है और विरोध भी बहुत हुआ। फिर श्रीलंकाई तमिलों में देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, तमिल भाषा की राजभाषा बनने के कारण क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों समान अवसर मांग को लेकर भी संघर्ष हुए और कई आबादी जो इलाकों में स्वायत्ता की मांग भी लगातार नकारा गया। इस तरह से 1980 के दशक में उठती पूरी श्रीलंका को स्वतंत्र किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि सरकार बनाने के मांग को लेकर राजनीतिक संगठन भी बनाए गए। इस तरह से ग्रह युद्ध की परिणत के रूप में लिया। अविश्वास और टकराव जो था वह ग्रह युद्ध क्या होता है? ग्रह युद्ध मतलब जहाँ पर युद्ध की संख्या बनी रहती है और घर के अंदर ही हम लड़ाई की संभावना दिखती है। फिर बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में भी ऐसी नेताओं ने श्रीलंका का अलग अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया, जिसमें कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर 70 और 93 के बीच में उन्हें परिणाम से दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे, जिसमें कि परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर श्रीलंका का रिकॉर्ड भी सबसे अच्छा है, पर वहाँ गृह युद्ध मुल्क सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक जीवन काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं, जो कि 2009 के में जो गृह युद्ध का जो था वह अंत हुआ। और उसके बाद यहाँ हम देखेंगे बेल्जियम
की अनेक शक्तियां जो हैं देश के अंतर्गत देखने को मिली, जिसमें अपने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ बात के लिए की, जिसमें बेगानेपन का एहसास हुआ और उसके बाद इनकी जो व्यवस्था थी वह बहुत कल्पनाशील थी और कोई भी देश में ऐसा नहीं कर पाया जो कि मौलिक जानकारी। फिर दूसरा हम यहाँ देखेंगे संविधान इस बात को स्पष्ट होता है कि केंद्रीय सरकार डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होती, किंतु विशेष कानून तभी बनती जब भाषाई इलाके क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी जाती, जिससे ही सारी केंद्रीय सरकार राज्य सरकार जो होती है अलग अलग होती है, सब अपने अपने क्षेत्र में अपना कार्य करती है। फिर ब्रुसेल के अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय समान प्रतिनिधि दिया गया, इसमें फ्रेंच भाषी और ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया, डच भाषी लोग भी केंद्रीय सरकार में बराबरी प्रतिनिधित्व का स्वीकार किया गया था। फिर यहाँ देखेंगे केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा भी तीसरे स्तर की सरकार काम करती है, जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार, सामुदायिक में जो है पंचायती राज भी आ जाती है और नगरीय सरकार भी आ जाती है। इस तरह से चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते हैं और फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों को लोग चाहें तो वहाँ भी रहते हों लेकिन सामुदायिक सरकार को ही चुनते हैं। इस तरह से देखेंगे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों को फैसले लेने का अधिकार है। इसमें बेल्जियम का मॉडल के कुछ जटिल भी लग सकता है, जिसमें कि यह व्यवस्था सफल रही, बेहद सफल है, जिसमें कि इसके ग्रह युद्ध की शंकाओं पर भी विराम लग गया था और साथ ही साथ ग्रह युद्ध की स्थिति जो थी वह भी समाप्त हो गया था और इस तरह से बेल्जियम भाषा के आधार पर उसे 2 टुकड़ों पर बांट दिया गया था। यह बनाने का फैसला जिसमें किया गया था मुख्यालय इस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं की क्या शिक्षा मिलती है, इससे हम देखेंगे कि वहाँ के लोग अलग अलग ढंग से मतलब निपटाने की कोशिश की और साथ ही साथ बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय क्षेत्र भावनाओं का आदर करने के साथ साथ देश की एकता भी संभव है, जिससे कि हम एहसास फैसला कर सकते हैं कि ब्रुसेल और मुख्यालय को भी चुन सकते हैं और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से हम क्या करेंगे, ठीक बीच का रास्ता अपना के बहुसंख्यक और दूसरे प्रभुत्व कायम करने वाली सत्ता को उसके हिस्सेदार बनाने का फैसला करता है और साथ ही साथ एकता के संकट को भी हम आसानी से दूर कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे सत्ताधारी की समझदारी साझेदारी क्यों जरूरी है। अब यहाँ सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, पहला कि बंटवारा ठीक है, दूसरा कि इसी बीच में टकराव का हिस्सा कम हो सकता है। लेकिन दूसरा हम यहाँ देखेंगे कि इस तरह से बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है और फिर यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के दायित्व भी अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा बाकी सभी देशों पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में भी एक और बात कही जा सकती है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि साझेदारी होने से हम शासन की व्यवस्था को आसानी से चला सकते हैं। इस तरह देखेंगे लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत बीच में सत्ता को बांटा जाए और इसी बीच इसी ढर्रे से रहे, इसलिए वैध सरकार वही है जो भागीदारी के माध्यम से समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन 2 तर्कों में से हम युक्तिपरक हम जो देखेंगे दूसरे नैतिक तर्क पर कह सकते हैं कि युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ का परिणाम पर जोड़ देता है, जबकि नैतिक कार्य जो है वह सत्ता के बंटवारे के अभूतपूर्व महत्व को बताता है। मतलब यहाँ पर जो है सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम देश में शांति चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं और इस तरह से यहाँ पर सामाजिक टकराव ना हो, हिंसा ना हो, राजनीतिक अस्थिरता ना हो, इसके लिए हमें सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से ये था हमारा सत्ता की साझेदारी